एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस विद लाइफस्टाइल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही अमेजिंग फेशियल पैक। सो इस फेस पैक को बनाना बहुत ही आसान है, घर पर आप बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। और ये एक ब्राइटनिंग फेस पैक है, आपकी स्किन को काफ़ी लाइट एंड ब्राइट बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है ये। और आपके जितने भी फेस की प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी को रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। सो चलिए फिर देखते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाया है इस फेस पैक को। सो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं मैंने ये बॉल लिया है और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून कर्ड यानी कि दही। सो मैंने 2 टेबल स्पून कर्ड को ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं ऐड करूँगी ये 2 टेबल स्पून मैं बेसन ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैं लूँगी ये हल्दी पाउडर, तो मैंने घर में ही यूज़ होने वाली हल्दी ली है। एंड अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप उसे भी यूज़ में ले सकते हैं, वो भी दी बेस्ट है। बट अदरवाइज़ आपके पास नहीं है तो आप ही घर में यूज़ होने वाली हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से देखिए सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया है, उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जब तक ये एक अच्छा सा फेयर सा पेस्ट ना बन जाए। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है सभी इंग्रेडिएंट्स को। सो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो फेस पैक है वो बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसे आपको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये ब्रश लिया है और मैं ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई करूंगी। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूंगी अपने पूरे फेस पर इसे। सो गाइस, ये जो फेस पैक है ये बिल्कुल नेचुरल है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप बहुत ही आराम से इसे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी डर के। और ये आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को फेयर एंड ब्राइट बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल है और आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि पिंपल्स, एक्ने, स्पॉट्स वगैरह, उन सभी को भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। सो बहुत ही अमेजिंग फेस पैक है ये और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अमेजिंग है। सो यहाँ पर मैंने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लिया है और इसे अपने फेस पर आपको 10 मिनट तक रखना है। सो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फेस पैक बहुत ही अच्छे से सूख चुका है मेरे फेस पर और अब मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लिया है। सो गाइज़, आप परमानेंट रिजल्ट के लिए इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो आप खुद ही देख सकते हैं मेरी स्किन में पहले से काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। सो आई होप गाइज़ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।